हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा चैनल टेक्नो दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप अपना खुद का एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं और कैसे किस तरह से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देख लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्री है। तो चलिए दोस्तों, कैसे आप आपका खुद का एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे को बहुत लोग ने बहुत मेरा फ्रेंड ने बोला, तो संतनु तुम कैसे तुम्हारा जो खुद का वेबसाइट है कैसे से उसको ऐप में बदल कर दिया और कैसे अपना एप्लीकेशन बना दिया और प्ले स्टोर में भी आ गया, तो आप लोग भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो कैसे किया मैंने, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, आप लोगों का जो कोई भी यूट्यूब चैनल हो सकता है, तो अगर नहीं भी है, जो आपका फेसबुक का जो पेज है उसी के पेज बना के आपका, अगर आपके पास वेबसाइट है उसको अगर ऐप बना के, या फिर आपका जो व्हाट्सएप का जो सॉरी आपका जो फेसबुक का जो पेज है वो आपको ऐप में बदल के आप प्ले स्टोर में भी डाल सकते हैं और आप किसी को भी भेज भी सकते हैं। तो ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप किसी भी ब्राउजर में जाइए, उसके बाद ये जो appsgear.com इस पे जाइए। तो देखिए इस तरह का कुछ पेज ओपन होगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन है, लॉगिन कर लीजिए। और आपके पास अगर आईडी है तो ठीक है, नहीं तो साइन अप करके आप यहाँ पे जाके साइन अप करके रजिस्टर न्यू यूजर करके साइन अप करके नीचे आप एड्रेस वगैरह या फिर नाम मेल आईडी डाल के कर लेते। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, और ये देखिए मैं ऑलरेडी लॉगिन कर लिया। तो मैंने जो मेरा प्ले स्टोर पे जो ऐप चल रहा है तो मैं इसी से बनाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप मोनेटाइजेशन करके आप पैसा भी बना सकते हो, बाद में बताऊंगा। सबसे आसान तरीके से मैं आप लोगों को यही दिखाता हूँ तो कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पे देखिए इसका जो वेबसाइट का सबसे खास फीचर है कि आप जहां तक जितना तक करें उसके बाद आप यहाँ पे जो क्लिक हेयर टू सी द प्रीव्यू, तो फोन का जो ऑप्शन है फोन में किस तरह दिखेगा, आप पब्लिश करने से पहले, आपका ऐप डाउनलोड करने से पहले, एडिट करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं कि कितना देर तक हुआ है, और मतलब कितना और भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे ऐड कर सकते हैं अब यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे ऊपर जो क्रिएट ऐप दिख रहा है यहाँ पे जाइए क्रिएट ऐप पे, और यहाँ पे देखिए बहुत सारा का ऑप्शन है आपका किस तरह का पेज है। ठीक है, तो वहां पे अगर आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट भी डाल सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं मेरा जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको डाल के दिखा देता हूँ कैसे। तो यहाँ पे वेब है, वेब में जो पॉपुलर में इस तरह का आता है वेब, वेब में देखिए ब्राउजर आपका, अगर ब्राउजर बनाना चाहते हो वो भी है, ट्विटर का पेज बनाना चाहते हो वो भी है, ब्लॉग का पेज बनाना चाहते हो वो भी है, सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे मीडिया पे जाए तो यूट्यूब वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखिए आपका खुद का रेडियो स्टेशन है वो भी चला सकता है, म्यूजिक का जो वही चलाना है, यूट्यूब का है वो भी कर सकते हैं सब कुछ। तो मैंने पॉपुलर पे गया, उसके बाद वेबसाइट पे क्लिक किया, तो मेरा जो वेबसाइट है वो मैं यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ आपको। देखिए ऑन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो वेबसाइट का यूआरएल है, जो मतलब ऐप का जो लिंक है, सॉरी जो वेबसाइट का यूआरएल का जो लिंक है वहाँ पे पेस्ट कीजिए। तो ये मेरा वेबसाइट है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ के पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, उस जो आपको जो ऐप क्रिएट होगा उसका आप नाम क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं मेरा जो चैनल है उसी का नाम रख लेता हूँ। तो और उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। तो देखिए उसमें आप डिस्क्रिप्शन क्या लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिख सकती है, तो मैं समझ ले लिख लेता हूँ। दिस इज फॉर टेक लवर्स, ठीक है, ऐसे करके और उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। तो देखिए अब आपका ऐप का आइकॉन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट रहने दीजिए, नहीं तो कस्टम है तो आपके पास कुछ है तो कंप्यूटर से वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं डिफॉल्ट रख लेता हूँ हम लोगों को डेमो दिखाने के लिए, और नेक्स्ट कर दिया। और उसके बाद क्रिएट, सीधा क्रिएट पे, और देखिए मेरा ऐप लग हो रहा है। और उसके बाद देखिए आपका ऐप क्रिएट हो जाने के बाद किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे क्लिक है टू सी प्रीव्यू कर दें, और देखिए ऐप ओपन होने के बाद किस तरह से आएगा। देखिए ये मेरा जो पेज है ये देखिए आ गया, ये आप लोगों का मोबाइल पे इस तरह से दिखेगा। ऐसे करके आप वहां पे जाके, ठीक है, आप वहां पे जाके वो जो ऐप का जो लिंक है वहां पे जाके एडिट पे जाके
अब YouTube का अगर आपके पास पेज है तो YouTube का पेज वहाँ पे डालिए, उसके बाद YouTube का पेज को आप ऐप में बदलिए, और आपका वेबसाइट है तो वो भी करिए, और Facebook का भी पेज है तो भी सिर्फ ऐप बना सकते हो वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से कुछ आ गया, तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया, मेरा जो वेबसाइट है तो सीधा यहाँ पे मोबाइल पे कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन है, पहले जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आप क्या कीजिए, तो आपका जो पूरा खुद का मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमने रेडी किया वो स्टेटस क्या है सब कुछ दिखा रहा है। आपका जो ऐप है, योर अकाउंट इज चार्ज 66%, आपका अकाउंट 66% रेडी हो गया, और 30% रेडी तब होगा जब आप यूट्यूब को मतलब जो ऐप ने क्रिएट किया वो प्ले स्टोर पे पब्लिश कर देंगे तब, और पॉपअप नोटिफिकेशन है इसको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका 66% ऐप हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक है, पुश है, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। मोनेटाइजेशन जो मैंने बोला ऑन करने के लिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, गूगल में एडमोब का जो अकाउंट है, यहाँ पे एडमोब का जो अकाउंट है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वहां से बैनर एड, दो तरह का एड आते हैं हर ऐप में, देखिए दो तरह का एड आएगा, तो मैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। डैशबोर्ड में गया और उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे जब प्रीव्यू करने गया तो देखिए आप लोगों को भी पता चलेगा, जब ऐप आप कोई भी ओपन करते हैं एक पूरा बैनर मतलब पूरा डिस्प्ले के पूरा पे एक ऐड आता है, उसको इंटरसियल ऐप कहते हैं, और जो नीचे पे जो ऐप दिखाता है उसको बैनर ऐप कहते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो मोनेटाइजेशन पे गया और देखिए हाउ डज इट वर्क, ये किस तरह से काम करता है। देखिए बैनर एड्स और इंटरस्टियल ऐप, दो तरह का ऐड होता है। बैनर ऐप जो है वो नीचे दिखाता है ऐप, ऐप का जो नीचे है, और इंटरसेल है पूरा स्क्रीन जुड़ मतलब पूरा स्क्रीन में आता है वो जो इंटरसेल ऐप होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोड डालना पड़ता है, एडमोब अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। वहाँ से आईडी जनरेट करके यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट कर दीजिए, और आपको ऐड के ऊपर मतलब ऐप के ऊपर ऐड आएगा और आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड में गया, और डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक टू सी प्रीव्यू जब कर लेंगे, आपको आप किस तरह से दिख रहा है वो दिख जाने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और आपका जो क्यूआर कोड है मोबाइल से स्कैन भी करके क्यूआर कोड को द्वारा डाल के डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो खुद यहाँ पे जाके जो योर यूजर कैन डाउनलोड योर ऐप, ये जो लिंक है यहाँ उसको कॉपी करके आप किसी को भेज सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ से आप गूगल प्ले स्टोर में भी पब्लिश कर सकते हैं, और अमेजोन जो ऐप स्टोर है वहाँ पे भी पब्लिश कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन जो है आपने बताया मैंने पैसा अर्न करने के लिए, तो मोनेटाइजेशन करके आपको ऐप के ऊपर ऐड चला के इस तरह से कर सकते हैं। और फिर मैं एडिट में जाकर और भी डिटेल्स में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया, जैसे करके जो ऐप सेटिंग में ये जो वेबसाइट के यूआरएल डाला था, यहाँ पे जाके आप आपका यूट्यूब का भी यूआरएल डाल सकते हैं, फेसबुक का जो वो भी डाल सकते हैं, ऐप नेम क्या रखेंगे, ठीक है। तो मैंने ये रखा था टेक्नो दुनिया, और ऐप भार्सन क्या होगा तो आपको प्ले स्टोर में भी दिखाएगा, जो अपडेट होगा उसके बाद भार्सन दिखाता था ना, यही सेम ही भार्सन है, यहाँ से अपडेट होता है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या लिखा था ये देखिए आ गया यहाँ पे, और आइकॉन क्या रखना चाहता हूँ वो, और ऐप का थीम क्या होगा मतलब खोलने के बाद यहाँ पे किस तरह से दिखेगा, और टैब में गया, और अगर और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो और एडेड टैब करके और नेक्स्ट टैब में आ जाएगा। जैसे कि मेरा जो ऐप है वहाँ पे देखिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर का लिंक, और एडवांस में जाए तो टोटल ही चेंज कर सकते हैं। टोटल चेंज मतलब यहाँ पे देखिए उसका जो स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट अगर आपके पास ऐप खोलने के बाद दिखता है किस तरह, वहाँ स्क्रीनशॉट लेके आप डाल सकते हैं यहाँ पे, और ऐप का जो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश बटन कब कब कितना देर तक प्ले एड प्ले होगा, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन है। आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा पूरा, ठीक है। इस तरह